कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपको हमारा तालीम पूरे स्नेक से बड़े यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आए हुए हैं ग्राम में जहाँ पर कोई सांप निकला हुआ है। और दोस्तों आज से लगभग 8 से 10 महीना पहले भी इसी घर में सांप पकड़े हुए थे, कॉमन क्रैब स्नेक और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों आज उसी ग्राम में आए हुए हैं जहाँ पर इंडियन रेड स्नेक सांप छिपा हुआ है। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। निरंजन कुमार। निरंजन कुमार जी इनका नाम है और गांव का नाम बताइए सर। मधुवन टोला महानवा। मधुवन टोला महानवा दोस्तों ग्राम का नाम है। तो चलिए सांप को निकालते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। आओ ना बुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं घर का जो कार्य चल रहा है, चारों तरफ जंगल है। और दोस्तों बारिश का मौसम है इसलिए सांप तो कहीं से भी कभी भी आ सकता है अपना भोजन के तलाश में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सांप जो है इस साइड में छुपा हुआ है। चलिए उसको निकालने का प्रयास करते हैं। इधर आया। हाँ हाँ, ये एक हट थी मकई धलवा हो में होके हटा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी को इंडियन रेड स्नेक धामन सांप बोला जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आदित एक उपाय कीजिए भैया, इसको वहां से बंद कीजिए। तो हाँ, वहां से उधर आगे रास्ता ब्लॉक कीजिए ना। ठीक है, लग गया अंदर तक। अरे बाप रे, बताओ गाड़ी आप देख रहे काफी बड़ा साइज का सांप है और काफी मोटा भी है। तो दोस्तों वेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इधर ही लेके आ रहे हैं, इधर ही लेके आ रहे हैं, चिंता मत करो। अरे तो फैली में ले जाइए तो ओकरा कथि करियो। हां काटे तो हां मना ना भी ले ले काटे दे। जा सब आगे दे ले ना, ईएमआई पता हो गिरे में पैसा। हां 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 हां
देखा बड़ी कैसे करे थी बाप रे और ये काफी गुस्सा में है, बार बार बाइट करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको जब भी भय लगता है तो बाइट करने का ही प्रयास करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में दोस्तों। वैसे गुस्सा सांप होता नहीं है, लेकिन इसको मौत का भय है। लग रहा है कि इसको लग रहा होगा कि हमें मार दिया जाएगा, इसलिए यह बाइट करने का भी प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देख सकते हैं, और इसका हाइट को भी देख सकते हैं, हमसे भी बड़ा हाइट है और काफी मोटा भी है। 6 फीट का दोस्तों, 5.5 फीट का होगा, 6 फीट से कम, 6 फीट से ऊपर होगा, 5.5 फीट का तो हम ही है, 6 फीट से ऊपर होगा, लमसम 6.5-7 के। तो दोस्तों यह किसी को भी काट ले तो डरने वाला बात नहीं है। ठीक है, यह सांप किसी को भी काट लेता है तो डरने वाला बात नहीं है, क्योंकि यह बिना जहर का होता है, इसके पूंछ में भी कोई जहर नहीं होता है। ठीक है, और यह ज़्यादा करके हाथ को लपेट लेता है। लपेट लेता है, मोटा है, मोटा सांप को तो मोटा पूंछ भी करोगा ना, कटा हुआ नहीं है। तो इस अंदाज पूंछ में करता है ना, बाथरूम क्या पूंछ से नहीं करता है, वो टॉयलेट अपना करता है। ठीक है, और एक चीज और है, इसको पूंछ छूना चाहते हैं तो छू करके देख सकते हैं, डरने का थोड़ा ही बात नहीं है, इसके पूंछ में कोई जहर नहीं होता, और जहर होता तो हम लोग पूंछ से पकड़ते हैं, पूंछ से मारता है, वो कुछ दिक्कत नहीं है, मार भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग पूछ के पकड़ते हैं इसका, पूछ पकड़ने से थोड़ा ही कुछ होता है, वो मारता ना है तो कति हो जाएगा, ये मारिए देगा तो कति हो गया, कति हो जाएगा, चट्टी का बोरा लिया, डिब्बा रखे हुए थे, डिब्बा छोड़ दी, अब डिब्बा लेके नहीं आते हैं, चट्टी का बोरा बोले, चट्टी का बोरा वैसे प्लास्टिक का बोरा देना, जंगल में छोड़ रहा हूँ, घर में ढूकर लगे 3 दिन से देखे लिए डर लगे लेके सके, हम फोन कर लिए इनका के नंबर निकाल के मोबाइल पर
कहीं छोड़ लो एक जगह दूसरा शांति जगह कहीं दूर भी सफर एरिया में ना एरिया में कहीं भूल ले जा बहुत ही लोग साफ सरकारी कर लिया गया है और इसे दूर ले जा करके जंगल में छोड़ देंगे। तो इसके बारे में बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है कि यह पूंछ से मार देता है तो उस व्यक्ति का मौत हो जाता है, ठीक है, या किसी को भी काट लिया तो गंगा में स्नान करना पड़ता है, ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहले कोई रेस्क्यूअर नहीं था इसलिए सांप को मार दिया जाता था, तो इस तरह का अफवाह फैलाया गया ताकि कोई मारे नहीं इसको, ठीक है, और सांप से दूरी बना कर रहे हैं। जो कि अभी रेस्क्यूअर है हर जगह, कहीं पर भी सांप निकलता है तो हम लोग जा कर के रेस्क्यू करते हैं, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि अंधविश्वास दूर रहें, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने तालिमपुर स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च मारे तालिमपुर स्नेक सेवर, ठीक है, हमारा चैनल ले जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है।